तो पूर्व एडीडीपी वी कामराजा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, मनीष ग्रोवर की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। वी कामराजा रोहतक रेंज के आईजी रह चुके हैं। वी कामराजा कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर का स्ट्रांग लीडरशिप का नाते एक देश को इंडिया जैसे ऐसे मल्टीकल्चरल सोसाइटी को आगे लेके जाने के लिए एक स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए। ये मैं देख रहा था कि के मोदी जी के पास जबरदस्त वो स्ट्रेंथ है। दूसरा ये साथ साथ मैं ये देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा आदमी का वैसे मौका देना आगे बढ़ाने के लिए एक पार्टी है, ठीक है, हमेशा वेलकम करती है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तीसरा मैं देख रहा था वैसे मोदी जी का, मैं देख रहा था नॉट ओनली ही इज अ स्ट्रांग लीडर बट ऑल्सो ही हैज लॉट ऑफ कंसर्न फॉर द पुअर पीपल। पुअर पीपल के लिए कितना भी स्कीम्स है, अभी हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स है वैसे अभी आया है, अभी इसका फल तो अभी मिलना शुरू हो गया। वैसे अगर पुअर लोगों का है, वैसे अनएम्प्लॉयड लोगों का है, नहीं तो किसी और वर्ग का है, ये काफ़ी चीज़ है। ये वह लगातार करके आ रहे हैं, अभी इसका रिजल्ट तो आना शुरू हो जाएगा। तीसरा मैं देख रहा हूँ स्टेट लीडरशिप में भी देख रहा हूँ, जैसे खानस लोगों को वैसे हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमेशा मौका देती है। अभी सीएम का भी देखेंगे तो वैसे फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ हरियाणा पहले बार वैसे मेरिट पे वैसे हर एक रिक्रूटमेंट हो रहा है। इवन ट्रांसफर एंड पोस्टिंग भी हम देखेंगे तो वो भी मेरिट पे चल रहा है। इसके अलावा लैंड ऑर्डर मेंटेनेंस से हम देखेंगे एज क्रिमिनल का बिल्कुल खिलाफ है। लैंड ऑर्डर मेंटेनेंस तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त अच्छी तरह से विदाउट एनी बायस